नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवीन ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूँ। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरेस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी सुहास डोगरे जी को, वो आए और अपना अनुभव हमसे शेयर करें। सुहास डोगरे जी, आदरणीय मंच और आदरणीय सभागृह, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग और विद्वान सब स्टेज पर बैठे हैं और मैं इसी वक्त आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैं पहले तो एक छोटी सी बात करता हूं। मैं कुछ महीने के पहले मेरे एक साथीदार पुणे से इधर दिल्ली में शिफ्ट हो गए, ज्योतिष सीखना चाहते थे। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ढूंढ लो इधर उधर किधर किधर बहुत से क्लासेस है दिल्ली में, देख लो क्या कैसे। तो उससे मुलाकात हो गई और उसने बोल दिया कि भाई हमें एक का पता चल गया। बोले किसका पता चल गया? अरे भाई वो हस्तरेखा तज्ञ है, वास्तु तज्ञ है, बहुत से किताबें लिखी है, पराशर वराहमिहिर का। बोले क्या बात है, एक ही आदमी इतने सब ब्रांचेस में विद्वान कैसे हो सकता है? बोला नाम तो क्या है उनका फिर? अरे बोला आपको नाम मालूम नहीं? अरे भाई हमें तो मालूम रहेगा या नहीं रहेंगे, आप बोलो ना। उन्होंने बोला उनका नाम है दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी, मैं तो आश्चर्य में डूब गया कि भाई ये कैसा हो सकता है। और बाद में संयोग से उनसे हमारी मुलाकात भी हो गई और हम गर्व से करते हैं कि बिल्कुल दिलीप कुमार का जो कुछ कार्यक्रम रहेगा, दिल्ली में रहेगा, किधर भी रहेगा, मैं खुद आ जाऊंगा। और मैं अभी बात कर रहा हूं वास्तु की। वास्तु के बारे में तो बहुत सी चर्चा होगी, बहुत सी किताबें हो गई, मेरे तो 4 एडिशन हो गए, बहुत से कुछ आपने सुना होगा। लेकिन मेरी जो बात है, मैं जो वास्तु का सलाह देता हूँ वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि पहले मैं इंजीनियर हूँ, क्लासरूम इंजीनियर होने के नाते से मैं रिटायर हो गया और बाद में ज्योतिष जानते हैं। तो इंजीनियर होने के नाते से मैं पहले क्या करता हूँ, किसी का पहले प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेता हूँ। सिर्फ वास्तु ऐसा नहीं हो जाता
कि नॉर्थ में ऐसा होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ पवित्र होना चाहिए, टॉयलेट इधर, इसमें ऐसा वास्तु नहीं है। वास्तु ये सब कुछ बाह्य रूप हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले वास्तु देखता हूँ, उनकी पत्रिका देखता हूँ और फैमिली के प्रोग्राम देखता हूँ। हमेशा आप देख लो, किसी का भी प्रॉब्लम रहे फैमिली में तो पूरा ग्रुप का, फैमिली का आप होरोस्कोप देखना चाहिए, तब आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि भाई क्यों हो जा रहा है, ऐसे झगड़ा क्यों हो रहा है, धन का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेडिकल समस्या क्यों आ जा रहा है, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके पहले देखना चाहिए कि होरोस्कोप, और बाद में वास्तु की मैं एक होरोस्कोप बनाता हूँ। ये थोड़ा सा अलग थ्योरी है, 96 में मैंने खुद डिराइव किया था, उसके ऊपर ही बहुत मेरे वर्कशॉप भी हो गए। तो एक दफा वास्तु की पत्रिका आपने बना दी तो आपको ठीक पता चल जाता है, वास्तु का रहे या अपने खुद का अपने व्यक्तिगत रहे, हमेशा ख्याल में रखना कि जो कुछ दोष आ जाता है वो दोष कैसे आ जाता है, इनलेट और आउटलेट, इनलेट कैसे है और आउटलेट कैसे है, और बीच में जो मीडिया है वो मीडिया कैसे है, उसे सब कुछ आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किधर से आ रहे है। और जब तक आपको रूट कॉज ही मालूम नहीं प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम का निवारण समस्या कैसे करेंगे आप, ये तो बिल्कुल असंभव है ना। तो पहले देखना चाहिए कि दोष किधर है, और एक दफा अपनी वास्तु की पत्रिका बना दी, वास्तु की पत्रिका बना के जो कुछ ज्योतिष, पहले एक ख्याल में रखो कि जो वास्तुतज्ञ जिनको ज्योतिष नहीं आता उनका ज्ञान हमेशा अधूरा और अपूरा ही रह जाता है। ज्योतिष और वास्तु दोनों साथ साथ में ही चलना चाहिए। और वास्तु की पत्रिका एक दफा देख ली तो उसमें देख लो कि फोर्थ हाउस कैसा है। एक परसों उधर महाराष्ट्र में गया था मैं, बोला सिंह लगन था, कर्क में गुरु था, व्यय स्थान में था, बल भी था, वर्गोत्तम में भी अच्छा था। मैं बोला आपको यकृत का प्रॉब्लम आने वाला है। बोले ये कैसे हो सकता है, आप तो बोले कर्क का गुरु है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया। अरे भाई हमेशा ख्याल में रखने का, चाहे गुरु रहे, शनि रहे, राहु रहे, हर्षल रहे या नेपच्यून रहे, मैं नेपच्यून के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ आजकल। आजकल के जो प्रॉब्लम है, इफ यू हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ द टाइम यू मस्ट स्टडी द नेपच्यून प्लैनेट। नेपच्यून के मैं ऊपर मेरा ग्रंथ भी अभी चल रहा है, आउट हो जाएगा शायद ऐसे ही, बड़ा समारोह जब हो जाएगा तो मेरे ख्याल से नेपच्यून भी उधर प्रकाशित हो जाएगा। तो नेपच्यून दैट इज अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। जब वो फोर्थ हाउस में आ जाता है या सप्तम भावबिंदु के पास आ जाता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ मिसफॉर्च्यून्स। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है अपना। एक फैमिली देखो, एक्सीडेंट हो गया, बाद में धन के सब कुछ नुकसान हो गया, तीसरी शांति नहीं हो रही, ये सब कुछ जो मामला है तो वास्तु पत्रिका से मालूम हो जाता है। ये राहु यदि फोर्थ हाउस में राहु यदि रहे तो राहु का जो कुछ शांति कर्म तो करना ही चाहिए। आप चाहे विश्वास रखो या मत रखो, विश्वास मत रखो और मत रखो, आप रखो या मत, वो जो ग्रह है उनको तो काम हमेशा हो जाता है, ग्रहों का एक नेटवर्क हो जाता है, हमेशा ख्याल में रखने का। आइदर होरोस्कोप और वास्तु शुड ऑलवेज बी स्टडीड इन टोटेलिटी, नॉट इन आइसोलेशन। कभी कभी देख लो जो वास्तु के किताब में रखे है, जो कुछ सूत्र और नियम जो कुछ है उनके मुताबिक सब कुछ वास्तु बिल्कुल बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम तो आ रहा है, प्रॉब्लम तो आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे उसको, वास्तु के मुताबिक है सब कुछ। तो उसका जो रूट कॉज रहता है कि वास्तु का जो फाइव मेन एलिमेंट्स है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, कि पहले हम जिधर बैठे हैं, जिधर वास्तु में रहते हैं, उसके नीचे क्या है धरणी में। यदि जल दोष हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा, सिर्फ ऐसे देख के थोड़ा ही पता चलेगा आपको, बिल्कुल नहीं, इसके लिए वास्तु की पत्रिका। तो दोष किधर आ जाता है, समझ लो एट्थ हाउस में कुछ ना कुछ तो जल दोष है, या एट्थ हाउस में कुछ ना कुछ तो अग्नि का दोष है, तो अग्नि से सब कुछ आपको नाश होने वाला है। हमेशा खतरा किधर से है वो पहले देखना चाहिए। और दूसरी बात वास्तु का मुहूर्त, वास्तु का जो मुहूर्त है वो पहले ख्याल में रखना चाहिए। आजकल क्या करते हैं लोग कि अभी मुझे दिल्ली का इतना तो मालूम नहीं, मैंने बहुत से कर दिया इधर, फिर भी कि वास्तु का मुहूर्त और वास्तु की शांति ठीक तरह से करना चाहिए, नहीं तो उसको जो आपको जो सुख मिलना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, वो कुछ मिलने वाला नहीं। तो मेरे ख्याल से वास्तु की पत्रिका ऊपर, ये तो हमारे वर्कशॉप का बहुत बड़ा विषय है और समय बहुत कम है, इसके लिए मैं मेरे भाषण को अभी इधर ही विराम देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर।
सर ने बहुत अच्छी बात कही, वाक्य में वास्तु शांति, वास्तु पुरुष की पूजा, हर पाठ पूजा विधि विधान से करनी ही चाहिए। जब हम पाठ पूजा करते हैं, देखिए मैं सबका ध्यान अपनी तरफ चाहूंगी, जब हम पाठ पूजा करते हैं आप यकीन मानिए देवी देवताओं का आवाहन होता है। हमें पाठ पूजा में फिजिकली अटेंड नहीं करनी चाहिए पाठ पूजा, बल्कि दिमागी तौर पर भी, मेंटली भी हमें पाठ पूजा में शामिल होना चाहिए, तभी वह पाठ पूजा हमें लगती है। दूसरी बात, सर ने यहाँ पर आते ही एक बात कही कि बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं ज्योतिषी, तो मैं सर को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक हमें नहीं पता किस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए हैं, इसलिए ये कहना कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, बुजुर्ग है, तो कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर।